आधुनिक भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में से एक है। पिछले 9 सालों में सरकार ने देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में पेश करने के लिए साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसी का नतीजा है कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर लंबी छलांग लगाकर 81 से 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 के मुकाबले आज स्टार्टअप्स की संख्या 300 गुना बढ़कर 97,000 हो गई है। 115 यूनिकॉर्न के साथ आज भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के जरिए देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। अटल इनोवेशन मिशन में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और इंस्पायर स्कॉलरशिप के जरिए स्कूली बच्चों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया गया। हमारा प्रयास है कि 6ठी क्लास से ही विद्यार्थी अटल टिंकरिंग लैब में जाएं और फिर कॉलेज से निकलते ही उसको इंक्यूबेशन का, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार मिले। आज भारत सरकार के 11 मंत्रालयों और विभाग मिलकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। यहां आप मिलेंगे मशहूर टेक्नोप्रेन्योर्स और उनके हैरतअंगेज नवाचारों से, साक्षी बनेंगे देश की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों के और करीब से समझेंगे भारत के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को। भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्यमियों को उनके विचारों को बाजार के लिए तैयार उत्पादों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार ये माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजादी के अमृत काल में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब नए नए कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता आने वाले अगले 25 सालों में देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के तौर पर स्थापित करना है। सही नीतियों और कार्यक्रमों के साथ भारत विश्व में अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्र बनने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है।